आने वाले रेलवे स्टेशनों पर सुविधा और जरूरतों पर चर्चा करना था। इस दौरान राजस्थान के अलावा हरियाणा और गुजरात के सांसद भी मौजूद रहे। भारतीय रेल लगातार बदलाव के दौर से गुजर रही है। गाड़ियों के समय पर संचालन से लेकर यात्रियों के सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। शनिवार को उत्तर पश्चिमी रेलवे की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जनप्रतिनिधियों के जरिए उनके क्षेत्र में रेल विकास की जरूरतों पर चर्चा की गई। इस बैठक में राजस्थान, हरियाणा और गुजरात के सांसदों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सामने रखा और रेलवे अधिकारियों के रवैये को लेकर नाराजगी जताई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि अधिकारी योजनाबद्ध तरीके से समय पर काम पूरा करें, जिससे जनता को रेल सुविधाओं का फायदा मिल सके। पैसेंजर एमिनिटीज में डेवलपमेंट को लेकर के जो अपने अपने विषय थे वो सारे विषयों पर रखे, उन पर विस्तार से चर्चा हुई है। बहुत सारे विषयों पर जो पॉजिटिव बातचीत हुई है उससे निश्चित रूप से कुछ नए मार्ग निकलेंगे। जीएम की तरफ से ठीक है रिस्पॉन्स, जीएम काम करेंगे। अच्छा, कुछ कामों में कुछ अधिकारियों जो लापरवाही बरती है उसके लिए उनसे बात भी हुई है और उनके खिलाफ एक्शन भी लेने के लिए उनसे कहा गया है। बैठक के दौरान रेलवे स्टेशन पर सुविधाओं की कमी का मुद्दा लगातार उठा। ज्यादातर सांसदों ने गेस्ट हाउस से लेकर बैठने की व्यवस्थाओं का मुद्दा उठाया। बैठक में दौसा सांसद जसकोर मीणा ने गंगापुर लाइन को फिर से शुरू करने की मांग रखी, तो वहीं नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने अपने लोकसभा क्षेत्र में ट्रेनों के ठहराव का मुद्दा बैठक में उठाया। बेनीवाल ने कहा कि पिछले 5 साल में देश में रेलवे को गति मिली है, लेकिन राजस्थान को गति नहीं मिल पाई है। तो दौसा में तो अभी सुविधाओं का बहुत बड़ा अभाव है, ना तो उस स्टेशन पे अभी कोई वीआईपी सुविधा है, ना विश्राम गृह आम आदमी के लिए है, ना वहाँ जीआरपी का कोई सेंटर है, कोई भी सुरक्षा संबंधी कोई व्यवस्थाएं नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि दौसा 2 भागों में बटा हुआ है और उसके बावजूद भी दोनों भाग स्टेशन से जुड़ने में बहुत असुविधा है। सांसद इस मीटिंग से तो खुश थे, लेकिन कुछ गलत जवाब रेलवे के अधिकारियों ने सांसदों को दिए, उसको लेकर थोड़ी नाराजगी जाहिर की। और रेलवे जीएम ने आश्वस्त किया कि अगली बार जो मीटिंग होगी उसमें पूरी तैयारी के साथ आएंगे। इसके अलावा बैठक में रेलवे के अधूरे प्रोजेक्ट, अंडरपास में पानी भरने की समस्या और ट्रेनों में यात्री सुरक्षा का मुद्दा भी छाया रहा। हालांकि रेलवे अधिकारियों ने सांसदों की हर बात को सुना और मांगों पर जल्द से जल्द कार्रवाई का भरोसा दिलाया, लेकिन सांसद इससे संतुष्ट नजर नहीं आए। दामोदर प्रसाद, जी मीडिया, जयपुर। राजस्थान का जाना माना एमएसओ रेडियो